हेलो, नमस्कार दोस्तों। सिटी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं सिटी लाइव। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का जो कहर है वो पूरी तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इसको रोकने का एकमात्र उपाय जो है वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखना। हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लगातार अपने दर्शकों को ये बताते रहते हैं कि इसका जो बचाव है वही अपने आप में सबसे बड़ा उपचार है। और इसी सिलसिले में हम अलग-अलग क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते रहते हैं। इसी आज की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं शेर मोहम्मद साहब, जो कि सदर मेवात हैं। मेवात जो इलाका पड़ता है अलवर, और ये पूरा जो इलाका इधर का मेवात इलाका माना जाता है, वहां के सदर हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस समय देश की जो स्थिति है उसके बारे में क्या सोचते हैं। शेर मोहम्मद साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जी शेर मोहम्मद साहब, मैं हमारे सबसे पहला पहला सवाल जो आपसे वो ये है कि इस समय जो कोरोना की स्थिति देश और दुनिया में चल रही है उसके बारे में आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि हम लोगों को देखिए, अभी मैं ताजा आंकड़े देख रहा था स्वास्थ्य विभाग के। जी अभी तक 135 करोड़ की आबादी में मात्र 1,21,000 लोगों की जांच हो पाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सरकार पे किसी तरह का दोषारोपण कर रहा हूँ। मेरा जी कहने का मतलब बहुत सीधा है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, और संसाधनों की कमी के चलते हुए ये पॉसिबल नहीं है कि लोगों का चेकअप हो पाएगा। ज्यादा बढ़िया ये है कि हम लोग दूरी बना करके रखें। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और मैं तो विशेष तौर से हमारे जिस तरह से पिछले 4-5 दिन से हालात जी खराब हुए हैं, और ये कहा गया है कि भाई मरकज में लोग गए थे और मरकज से ये बीमारी फैली है, वहां पर क्या कारण रहे हैं, गलती हुई है, और मैं इसको लापरवाही मान सकता हूँ, लेकिन ये साजिश नहीं थी। तो मैं विशेष तौर से कल सबे बारात है, उसके लिए भी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, और जब जान है तो जान है। अगर आप जिंदा हैं तभी धर्म और ये सब चीजें आगे जी बढ़ पाएंगी। अगर आपने यहाँ पर चूक की, क्यों? क्योंकि जी इसमें बचाव सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से हो सकता है, एक दूसरे की दूरी बनाकर हो सकता है, यही इसका एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरा तो सभी से निश्चित ये तौर से विनम्र जी अपील है कि आप लोग शबे बारात में भी आप अपने घर पे इबादत करें, आपके घर पे दुआ करें, और बिल्कुल मस्जिदों को, और अगर हो सके, अभी आपको आ रही होगी अजान, हमारी खुद की मस्जिद है, हमारे सिर्फ इमाम साहब अजान देते हैं और नमाज पढ़कर चले जाते हैं। हम लोग सब लोगों से ये कहते हैं कि हो सके तो मस्जिदों को अगर बंद भी कर दिया जाए तो किसी तरह की कोई हर्ज नहीं है, मंदिरों को भी बंद कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जीवन सबसे पहले है, और जीवन बचेगा तो हम लोगों का धर्म भी बचेगा, सब कुछ बचेगा, और जब जीवन नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। मेरा तो बहुत सीधा है कि आप लोग बिल्कुल बिल्कुल इसमें ये बीमारी जो है जाति धर्म देख करके नहीं आती, ये बीमारी व्यक्ति विशेष देख करके नहीं आती, ये स्तर देख कर भी नहीं आती कि कोई गरीब है या अमीर है। अभी आप अभी अभी 1 मिनट पहले ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जी वहां की मध्य प्रदेश की जो हेल्थ सेक्रेटरी है वही इससे पीड़ित हो गई है, तो इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती, इसलिए सावधानी ही बचाव है। बिल्कुल शेर मोहम्मद जी, यहाँ पर क्योंकि आप मेव समाज से आते हैं और मेव समाज की जो मरकज की, जैसा कि आपने बात कही, हम इसी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि लगातार पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि करीब 30% जो हैं वो लोग मरकज से निकले हैं। तो आप मेव समाज से जुड़े हुए हैं और मरकज की जो शुरुआत हुई थी करीब 98 या 100 ईयर्स के आसपास, 1927 के आसपास जहां तक मेरी जानकारी है, वो मेव समाज ने ही मरकज की शुरुआत की थी। तो मरकज के पीछे क्या उद्देश्य रहा है, इसके कार्यों के बारे में हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, और ये किस तरह से पूरे देश में और करीब 17 राज्यों में मरकज के लोग गए हैं और कोरोना बढ़ा है, ऐसा सभी का मानना है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मरकज का काम मेवात से शुरू हुआ करीब 100 साल पहले, कोई वो नहीं है जी इसमें वाद विवाद कि मरकज का काम मेवात से शुरू हुआ। उद्देश्य जो मरकज का जो मेवात जो उद्देश्य है तबलीगी जमात का, मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। जी मरकज तबलीगी जमात का उद्देश्य है कि आप लोग नेक कमाई खाएं,
कुरान शरीफ के दिखाए हुए रास्ते पर चलें, किसी के साथ बेईमानी नहीं करें, हमारी बहन बेटियां जो भी हैं उनको सम्मान और इज्जत की नजर से देखें, पांचों वक्त की नमाज पढ़ें, और अगर आप लोग इस जन्म में अच्छा काम करोगे, अच्छे से रहोगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों को किसी भी तरह से उस परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको जलालत नहीं झेलनी पड़ेगी, और निश्चित रूप से जो कुरान शरीफ कहती है कि आप अच्छा काम करोगे तो निश्चित रूप से जन्नत में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, ये उनका बेसिक उद्देश्य है। अभी आपने कहा कि 17 राज्यों में गए, 17 राज्यों में नहीं, मरकज में, तो मैं तो कहना चाहूंगा, हुकूमत से भी कहना चाहूंगा कि करीब 168 देशों के लोग मेरी धरती पर, मेरे हिंदुस्तान की धरती पर सजदा करने आते हैं। जो मरकज के लोग 17 राज्यों में गए हैं, उसके बाद में कोरोना का करीब 30% जो है लोगों में ज्यादा बढ़ा है, उसके बारे में मेरा मानना था। उसमें मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मैं 17 राज्यों में नहीं, शायद हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में ही जाते हैं 17 राज्य, ये अभी रिसेंटली रिपोर्ट है आपके पास जी, कि भाई 17 राज्य में गए हैं, मरकज से लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, कोई 4 दिन के लिए जाता है, कोई 10 दिन के लिए जाता है, कोई 40 दिन के लिए जाता है, कोई 5 महीने के लिए जाता है, और कोई एक ज्यादा 1 साल के लिए जाता है, और मरकज से निकल करके ये लोग जगह जगह जाकर के उन लोगों को जो लोग बिल्कुल भी धर्म और इसके बारे में, कुरान शरीफ के बारे में नहीं जानते, उनको उसका रास्ता बताते हैं। अभी आपने कहा कि 30% लोग उसके वो हैं, बिल्कुल मैं एग्री हूं आपकी बात से, कि मैं रिपोर्ट देख रहा था कि करीब 5,000 में से 1,000 कुछ 30% तो नहीं, लेकिन हाँ वो बताया 20-22% बता रहे हैं वो, हाँ करीब जी, यस यस, मैं आई एग्री विद यू, बट सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं सौभाग्य भी समझता हूँ इस बात का कि लोगों के चेकअप हो गए इस बहाने से, अब लोगों के चेकअप हो गए तो नेचुरली जिसके जितने ज्यादा चेकअप होंगे वो उस संख्या उतनी ज्यादा निकलेगी, परंतु ये बिल्कुल नहीं कहा माना जा सकता कि बाकी लोगों के ये नहीं है। जैसे आनंद विहार में लोग इकट्ठे हुए, अभी नोएडा का आप केस देख रहे हो, करीब 300 आदमियों को नहीं है, बाकी भी देश में लोगों ने फैलाया है, और लोगों के माध्यम से गया भी एक जगह से, विदेशों से भी लोग आए, उनसे भी कोरोना वायरस जो है फैला है। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है, जो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोग मस्जिदों में जाकर छुप रहे हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, वो डॉक्टरों के पास अपना चेकअप नहीं करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण मान सकते हैं शेर मोहम्मद जी? दीपक जी, मैं बार बार लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, और दरअसल क्या है कि जो लोग नहीं जानते मरकज के बारे में वो सोचते हैं कि ये जानबूझकर छुप रहे हैं। अब मैं, मुझे कहने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि क्वारंटाइन करने का मतलब है कि आप लोग उनको सही तरीके से इलाज दें, डॉक्टर की टोटल फैसिलिटी दें, लेकिन जिस तरह से इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिस तरह से इनका अत्याचार किया जा रहा है, आपको मैं बता दूं, मुझे कहने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि जो 8 दिन पहले क्वारंटाइन किए थे उनका आज तक कपड़े तक नहीं चेंज करने दिए हैं, तो लोगों में ये मैसेज जाता है, क्योंकि सबके पास मोबाइल भी है, सब पे ये मैसेज जाता है, लोग सोचते हैं कि यार इससे बढ़िया जो हमारे हालात, हमारे हमको हॉस्पिटल में इस तरह से वो किया जा रहा है। मैं राज्य सरकारों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इनकी तरफ ये ध्यान दें कि जो क्वारंटाइन किए हुए हैं कम से कम वो प्रॉपर नहाए धोए, नहीं तो वो तो वैसे बीमार हो जाएंगे, और छुप नहीं रहे ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग डरते हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर कितना अत्याचार होगा, इसलिए मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि डरे नहीं, आप लोगों ने कोई किसी तरह का अपराध नहीं किया है, बल्कि आप लोग आकर के देशभक्ति का सबूत दें और आकर के बताएं कि साहब मैं मरकज में गया था, मेरा चेकअप करें। अभी अभी आज की हमारे रामगढ़ अलवर की एक रिपोर्ट आई है, 28 लोगों को का रिपोर्ट भेजी थी, 28 के 28 नेगेटिव आए हैं। कल आपने देखा था, पत्रिका ने एक खबर लगाई थी और ऑथेंटिक खबर थी जी, कि 58 लोग उसके लिए भेजे थे, 58 के 58 नेगेटिव आए थे, ये नहीं है। लेकिन इन लोगों को मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए, ये डरे हुए हैं, भयभीत हैं, ये सीधे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। लेकिन सर मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आपका ये मानना है कि मरकज से निकले हुए लोग जो हैं वो घबरा रहे हैं, उनके अंदर डर पैदा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि डॉक्टरों के ऊपर गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनके ऊपर कुल्ला किया जा रहा है, उनके ऊपर थूका जा रहा है, उनके ऊपर अश्लील हरकतों की बात भी सामने आई है, और पत्थर तक मारे जा रहे हैं डॉक्टरों को, ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ से सीख कर आए हैं?
बहुत बहुत सही जवाब है, सवाल है आपका, तो मैं आपका जवाब देता हूँ सर। देखिए कि जितना भी जो जैसे मरकज से लोग गए उस दिन ये आवाज उठी कि साहब डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मी और पुलिस के ऊपर थूका। जब सैकड़ों सैकड़ों कैमरे उनके ऊपर लगे हुए हैं, हर चीज का ऑडियो आ जाता है, वीडियो आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, सीसीटीवी फुटेज आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं आपके चैनल से देश से माफी मांगूंगा, हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा और इन लोगों की निंदा करूंगा। एक छोटा सा सबूत इस तरह का ये पेश कर दें कि यहां लेकिन पर सर उनके खिलाफ FIR हो चुकी है, उनके खिलाफ पूरा मामला दर्ज हो चुका है, काम उस पे। सर मुझे सर कहने का कोई मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है कहने में, सिर्फ ये हरकतें उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है, बाकी जगह क्यों नहीं हो रही है, ये सोची समझी रणनीति के तहत आपने अपने राजस्थान की बताई। आप राजस्थान में कहां आज सर दिल्ली का भी एक मामला आया था कि उन्होंने अपनी पेशाब थैली में भर के बाहर फेंकी पुलिस वालों के ऊपर, आज दिल्ली से भी एक खबर देख रहा था मैं। सर आप ऐसे, मैं किसी भी समाज के ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं किसी जाति या धर्म पर नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वो लोग जो पुलिस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जो जान बचाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, जो अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान सरकार ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट से जांच कराओ, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इतनी गंदी चीज मानी गई है इस्लाम में पेशाब, उसके कोई जमाती हाथ लगाए, उसको जमात का आदमी पेशाब को डाल करके फेंके, 1% भी मैं इस बात की मैं सच्चाई मानता ही नहीं। इस्लाम में पेशाब वो है जिसके लिए 4 बार अगर छींट लग जाती है तो 4 बार आदमी कपड़े चेंज करता है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि जमात के लोग पेशाब को थैली में पैक करके और लोगों के ऊपर फेंकेंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और धीरे धीरे आप लोगों के सामने सब बात आ जाएंगी, आप लोग खुद भी दीपक जी इस बात को मानोगे कि हाँ ये बात सही है। जहां पर मैं मानता हूं कि कोताही की गई है, गलती हुई है, मैं मानता हूं, क्योंकि चाहे वो पुलिस के डर से की हो, लेकिन अगर दीवार में दीवार पुलिस का थाना है निजामुद्दीन का, तो पुलिस की आंखें बंद करके सो रही थी। जब मैं किसी की बात को नहीं मानूंगा और जब उसके पास एक तरीका है लठमार के हटाने का तरीका है, उसको अधिकार दिया है कानून ने, तो पुलिस आंख बंद करके क्यों बैठी हुई थी? ये एक साजिश के तहत हुआ है सब कुछ। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात कहीं पर कोई सबूत आता है, निंदा करता हूं और उसके खिलाफ कार्रवाई, तो मेरे बात ये। और शेर मोहम्मद जी, आप सदर मेवात हैं, आप इस तरह के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? आपको लगातार, आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी करते रहते हैं, आप काफी एक्टिव भी रहते हैं, और लगातार हम शेर मोहम्मद जी ये भी देखते हैं कि नोटों के ऊपर थूक लगा के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो अलग अलग जगह से वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता, गले मिलना चाहिए, ये हमारी इबादत है, हमको एक दूसरे की झूठी खाना खाना चाहिए, झूठा पानी पीना चाहिए, इस तरह के भी लगातार जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो वीडियो बना बना कर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, वो ऐसे लोगों को आप किस नजर से देखते हैं? सर जिन लोगों ने ये हरकत की है उन लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से सरकार NSA लगाए। वो गंदे और अपराधी किस्म के लोग हैं, चाहे वो नोटों को गंदा कर रहे हो, चाहे वो फ्रूट्स को गंदा कर रहे हो, चाहे वो इस तरह के टिकटॉक पर वीडियो बनाकर डाल रहे हो, सख्त से सख्त जितना जुर्म उनके खिलाफ अधिक से अधिक बन सकता है, हम सरकार के साथ हैं। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, वो देश के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, आपके दुश्मन है और मेरे दुश्मन। निश्चित तौर से हम यही लगातार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों से अपील करते रहते हैं कि एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखिए, अगर डिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो कोरोना आपको घेर लेगा, और आपको ही नहीं, आपको, आपके परिवार को और पूरे समाज को एक ऐसी दशा और दिशा में ले जाकर खड़ा कर देगा जिससे कि हम और हमारा जो परिवार है वो कहीं भी अछूता नहीं रह सकता। और अब कल क्योंकि शबे बारात है और उस समय भी लोग ज्यादा से ज्यादा जमावड़ा रखते हैं क्योंकि एक त्योहार होता है, और इस त्योहार के बारे में आपका क्या कहना है? आप लोगों को, पूरे देश और दुनिया के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस समय जो सिटी लाइफ के माध्यम से आपको देख रहे हैं? मेरा हाथ जोड़ करके मेरे हिंदुस्तान के सभी भाइयों से, विशेष तौर से कल क्योंकि शबे बारात है, मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि घरों से बाहर ना निकलें, और धर्म से बड़ा देश और देश से बड़ी मानवता, पूरी दुनिया में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मानवता बचाने की, एक दूसरे देश को दवाइयां भेज रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकले, अपने देश को सर्वोपरि माने,
जब जब आप जिंदा हैं, देश जिंदा है, तो आपका धर्म जिंदा है। घर से बाहर नहीं निकले, जो घर से बाहर निकलेंगे मैं उनको देश का दुश्मन मानता हूं, चाहे किसी भी धार्मिक प्रोग्राम को मनाने के लिए निकले। लिहाजा मेरी अपील है कि आप लोग घरों में ही अपनी इबादत करें, घरों में ही दुआ करें, घर से बाहर निकले नहीं। मस्जिदें बंद रहने दें, मस्जिदें जब जब ही सलामत रहेंगी, जब हम सलामत रहेंगे और हमारा देश सलामत रहेगा। शेर मोहम्मद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सिटी लाइव के लिए समय निकाला उसके लिए। और एक बार फिर हम हमारे दर्शकों को यही अपील करेंगे कि वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे कि आप और हम सभी एक दूसरे को एक नया समाज दे पाएंगे। और सच्ची देशभक्ति वही होगी कि हम अभी देश की जो सरकार है, जो राज्य सरकार की सरकार है, जो वो नियम या कायदे, जो उनके आदेश हमारे लिए आते हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। तो हम सभी से हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी यही अपील करना चाहेंगे कि सभी एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अभी आप और हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो भविष्य में आगे मिल पाएंगे, अन्यथा हम नहीं मिल पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। City Live, a platform to sharing your thoughts.